हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पिचवाई पेंटिंग ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पेंटिंग को मैं प्लेट पर बनाऊंगी। तो प्लेट पर मैंने सबसे पहले जेसो अप्लाई कर लिया है एंड आगे का प्रोसेस इसके ड्राई होने के बाद करेंगे। तो ड्राई होने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी ड्राइंग बना ली है। तो आगे मैं पिचवाई पेंटिंग की हिस्ट्री के बारे में पूरे डिटेल्स में बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर मैं लोटस को कलर करूंगी एंड इसको कलर करने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट एक्रिलिक कलर अप्लाई किया है और इसके ऊपर के हिस्से में लाइट पिंक कलर लगाऊंगी एंड लाइट पिंक को मैंने वाइट में थोड़ा सा पिंक कलर मिक्स किया है एंड उसके ऊपर से डार्क पिंक का शेड देंगे। तो इस प्रोसेस को आप धीरे धीरे कीजिए। अगर आपको पेंटिंग नहीं भी आती हो तो भी आप इसे बना सकते हैं, बस आप स्टेप को फॉलो करते जाइए। पिचवाई एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जिसकी उत्पत्ति भारत के उत्तरी भाग यानी कि राजस्थान के एक छोटे से शहर नाथद्वार में हुई है। यह एक कपड़े के बड़े टुकड़ों पर बनाई गई पेंटिंग है जो मूर्ति के पीछे के दीवारों को कवर करती है, जहाँ श्रीनाथ भगवान की मूर्ति रखी जाती है। श्रीनाथ भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और अपने आप में एक सर्वोच्च भगवान है। तो यह पेंटिंग श्रीनाथ भगवान के पीछे टंगे जाने वाले पर्दे पर बनाई जाती है। ट्रेडिशनली इसे कपड़े पर बनाया जाता था, पर अब लोग इसे किसी भी सरफेस पर बनाते हैं, जैसे कि एमडीएफ बोर्ड, कार्डबोर्ड, प्लेट एंड कैनवस या कोई भी सरफेस। बातों ही बातों में देखिए, मेरा लोटस कलर हो गया है एंड यहाँ पर हम येलो कलर से शेड करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि यह कपड़े पर बनाया जाता था, तो इस आर्ट को बनाने के लिए महीनों का समय लग जाता था और इसे लोग नेचुरल कलर से बनाते थे। अब हम लिप्स को कलर करेंगे एंड लिप्स को कलर करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया है एंड मैं इसको पूरे लिप्स में अप्लाई कर दूँगी। एंड अब इसे हम डार्क ग्रीन से शेड करेंगे। जहां जहां मुझे ग्रीन कलर अप्लाई करना है वहां वहां मैं कर दूंगी। काव पर अब हम व्हाइट एक्रिलिक कलर अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड में मैंने येलो कलर अप्लाई किया है एंड आप यहाँ पर कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा आउटलाइन करना और इसे हम ब्लैक एक्रिलिक कलर से अप्लाई करेंगे। और इसे अप्लाई करने के लिए मैंने थिन ब्रश लिया है एंड इसको धीरे धीरे से पूरे में अप्लाई कर देंगे। पिचवाई पेंटिंग ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर फेविक्रिल का गोल्ड मेटेलिक कलर लिया है एंड इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगी। कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर वर्निश अप्लाई करेंगे एंड वर्निश अप्लाई करने से पहले मेक श्योर रहे कि आपका जो भी पेंटिंग है वो अच्छी तरह से सूख गया हो। यहाँ पर मैं लिटिल वर्डी का वर्निश मेट फिनिश अप्लाई कर रही हूँ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।